हेलो बच्चों आज हम हमारा नया चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टार्ट करते हैं आपने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक से बीच में कुछ गैप रखा जाता है सिमिलरली रोड जो कि कंक्रीट से बनी होती हैं एंड ब्रिजेस में भी कुछ गैप रखा जाता है क्या आपने कभी सोचा है यह गैप क्यों रखा जाता है आपने अपने आस यह भी देखा होगा कि ओवरहेड इलेक्ट्रिकल वायर्स ना तो ज्यादा लूज रखे जाते हैं ना ही ज्यादा टाइट रखे जाते हैं सोचिए ऐसा क्यों किया जाता होगा आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि हॉर्स कार्ट में जो व्हील्स होते हैं उन पर मेटल रिम लगा होता है ब्लैक स्मिथ यानी लुहार इस वुडन व्हील पर यह मेटल रिम लगाने से पहले इस मेटल रिम को हीट करता है और व्हील पर फिक्स कर इसे कोल्ड वाटर से ठंडा कर देता है क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों करता होगा लुहार इस चैप्टर में हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में सबसे पहले हम टेम्परेचर को डिफाइन करेंगे और इसको मेजर करने वाले डिफरेंट स्केल्स के बारे में स्टडी करेंगे इसके बाद थर्मल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट हम हीट कैपेसिटी एंड चेंज ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ेंगे एंड चैप्टर के लास्ट में हम कैलोरीमीट्री का प्रिंसिपल एंड हीट ट्रांसफर के डिफरेंट मेथड्स के बारे में सीखेंगे सो लेट स्टार्ट अ फर्स्ट टॉपिक विच इज टेम्परेचर एंड थर्मल एक्सपेंशन इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव कुछ इस प्रकार से हैं सो लेटर स्टार्ट विद फर्स्ट सीवी विच इज टेम्परेचर टेम्परेचर किसी बॉडी के हॉटनेस व कोल्डनेस का एक मेजर है जैसे यदि हमारे पास बॉइलिंग वाटर की एक केटल हो एंड आइस क्यूब से भरा एक बाउल हो तो हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग वाटर हॉट होगा एंड आइस क्यूब्स कोल्ड होंगी टेम्परेचर एक रिलेटिव मेजर है यानी कि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर हम बोलेंगे हाई होगा एंड आइस क्यूब्स का टेम्परेचर हम बोलेंगे लो होगा यह हाई और लो हम रूम टेम्परेचर के रिलेटिव बोल सकते हैं टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होती है तो चलिए अब हम टेम्परेचर के मेजरमेंट के डिफरेंट स्केल्स के बारे में सीखते हैं टेंपरेचर को थर्मामीटर से मेजर किया जाता है और हम जानते हैं बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज टेम्परेचर के साथ वेरी भी होती हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पर थर्मोमीटर्स का कंस्ट्रक्शन होता है इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज हैं वॉल्यूम प्रेशर एंड रेजिस्टेंस कॉमनली जो प्रॉपर्टी यूज की जाती है थर्मोमीटर्स बनाने के लिए वह है किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन जैसे कि लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर में मर्करी या एल्कोहल को यूज किया जाता है कॉमन थर्मोमीटर्स जो हम हमारी लाइफ में यूज करते हैं उनमें जनरली मर्करी का ही इस्तेमाल होता है यदि बॉइलिंग वाटर में थर्मोमीटर को रखते हैं तो मरकरी का लेवल राइज होता है मरकरी टेम्परेचर के साथ लीनियरली एक्सपैंड करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है एक अप्रोप्रिएट स्केल में किसी टेम्परेचर को न्यूमेरिकल वैल्यू देने के लिए थर्मोमीटर को कैलिब्रेट किया जाता है इसके लिए हमें दो फिक्स रेफरेंस पॉइंट्स की नीड होती है इनमें से एक रेफरेंस पॉइंट वाटर का स्टैंडर्ड प्रेशर पर फ्रीजिंग पॉइंट या आइस पॉइंट लेते हैं इसे लोअर फिक्स पॉइंट कहते हैं सेकेंड रेफरेंस पॉइंट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लिया जाता है जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं जैसी वाटर बॉइल हो जाता है उसको हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं और इसको अपर फिक्स पॉइंट कहते हैं इस प्रकार से हमें दो रेफरेंस पॉइंट मिल जाते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर या आइस पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर या स्टीम पॉइंट नेक्स्ट हम डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स के बारे में सीखेंगे इसमें फर्स्ट है सेल्सियस स्केल एंड बाद में पढ़ेंगे हम फेरनाइट स्केल के बारे में एंड लास्ट में हम कैल्विन स्केल के बारे में पढ़ेंगे अलग अलग टेम्परेचर स्केल्स डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में यूज होते हैं जैसे कि डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फेराइट बुखार नापने में यूज होता है आपके घर में जो का थर्मोमीटर होगा वो डिग्री फेराइट में टेम्परेचर नापता है और अगर आप डिजिटल थर्मोमीटर यूज करते होंगे तो वो डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फेरानाइट दोनों में मेजरमेंट बताता है लैब्स में जनरली टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन में मेजर होता है वेदर फोरकास्ट के लिए जो टेम्परेचर यूज करते हैं कंट्रीज लाइक अमेरिका में वो टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में रिपोर्ट होते हैं यहां पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं टेम्परेचर दिखा रखे फोर्टी सेवन फिफ्टी सिक्स सिक्सटी टू सेवेंटी सेवन ये सारे टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में हैं इंडिया जैसी कंट्री में सारे टेम्परेचर जो दिखाए जाते हैं वो डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड में दिखाए जाते हैं सो डिपेंडिंग ऑन द यूज एंड सिचुएशन अलग अलग टाइप के टेम्परेचर स्केल्स यूज होते हैं सपोज आपसे कहा जाए कि अमेरिका के किसी सिटी में फोर्टी डिग्री फारेनाइट टेम्परेचर है तो क्या आप सोच सकते हैं यह टेम्परेचर में सर्दी होगी या गर्मी होगी क्योंकि इंडिया में सारे टेम्परेचर सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस में बताए जाते हैं तो अगर मैं बोलूं 40 डिग्री सेल्सियस है तो आपको पक्का पता होगा कि गर्मी होगी पर 40 डिग्री फारेनहाइट में कैसा महसूस होगा वो आप नहीं समझ में आएगा इसीलिए हमें डिफरेंट टेम्परेचर रिलेशन और एक स्केल के टेम्परेचर को दूसरे स्केल के टेम्परेचर में कन्वर्ट करना आना चाहिए और उसके बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे सेल्सियस स्केल में दोनों रेफरेंस पॉइंट्स के बीच में हंड्रेड इक्वल इंटरवल्स होते हैं लोअर फिक्स पॉइंट या आइस पॉइंट जीरो डिग्री सेल्सियस कहलाता है एंड स्टीम पॉइंट हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड कहलाता है फारेनहाइट स्केल में दोनों रेफरेंस पॉइंट्स के बीच 180 एट्टी इक्वल इंटरवल्स होते हैं इस स्केल पर आइस पॉइंट 32 डिग्री फारेनहाइट होता है एंड स्टीम पॉइंट 212 डिग्री फारेनाइट होता है अब सेल्सियस स्केल एंड फारेनाइट स्केल के बीच में रिलेशन फाइंड करना सीखेंगे यदि एक्स एक्सिस पर सेल्सियस एंड वाई एक्सिस पर फारेनहाइट स्केल का टेम्परेचर लिखें तो ग्राफ थर्टी टू डिग्री फेरेनाइट से स्टार्ट होता है एंड एक स्ट्रेट लाइन मिलती है पॉइंट जीरो कामा थर्टी टू होंगे एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हंड्रेड कामा टू हंड्रेड एंड ट्वेल्व होंगे अब यदि लाइन ए बी पर एक बिंदु सी लेते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे टी सी कॉमा टी एफ लाइन ए बी व लाइन ए सी के स्लोप इक्वल होंगे क्योंकि यह एक ही लाइन के पार्ट हैं तो हम लिख सकते हैं लाइन ए बी का स्लोप होगा टू हंड्रेड एंड ट्वेल्व माइनस जीरो का स्लोप होगा टी एफ माइनस थर्टी टू अपॉन टी सी माइनस जीरो सिंप्लीफाई करेंगे एंड टी एफ एंड टी सी में रिलेशन हमें मिल जाएगा टी एफ माइनस थर्टी टू बाई वन एटीजिक c by 100 tf यहां पर फेरानाइट स्केल पर टेम्परेचर है एंड tc सेल्सियस स्केल पर टेम्परेचर है अब नेक्स्ट स्केल जो हम पढ़ेंगे वह है केल्विन स्केल इसमें दोनों रेफरेंस पॉइंट्स के बीच 100 इक्वल इंटरवल्स होते हैं इसमें आइस पॉइंट 273.15 केल्विन होता है एंड स्टीम पॉइंट 373.15 केल्विन होता है सेल्सियस एंड कैलविन स्केल के बीच का रिलेशन होता है के इज इक्वल टू टीसी प्लस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट चलिए कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर पर एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं आपको फिफ्टी डिग्री फारेनहाइट को कैल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है इसके लिए आपको दो मिनट का समय दिया जाता है जल्दी से इसका आंसर निकालें आई होप आप सभी ने इसका सही उत्तर निकाल लिया होगा तो क्विकली हम देख लेते कैसे इसका आंसर निकालेंगे सबसे पहले हम सेल्सियस डिग्री में कन्वर्ट करेंगे इसके लिए फॉर्मूला है टी एफ माइनस थर्टी टू अपॉन वन एटीजल टू टीसी बाई हंड्रेड ऐसा करने से हमारे पास टी सी आ जाएगा टेन डिग्री सेंटीग्रेड दैट मीनस फिफ्टी डिग्री फेरेनाइट इज इक्वल इन टू टेन डिग्री सेल्सियस अब हम सेल्सियस स्केल को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करेंगे इसके लिए हमें फॉर्मूला पता है के इज इक्वल टू तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास के की टू एटी थ्री पॉइंट तो बच्चों जिस तरह से हमने टी एफ और सी में रिलेशनशिप निकाला है के एंड सी में रिलेशनशिप निकाला है आपको होमवर्क के तौर पर फेरेनाइट स्केल और केल्विन स्केल के बीच में डायरेक्ट रिलेशन निकालना है तो चलिए बच्चों एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कन्वर्जन ऑफ स्केल्स के ऊपर क्वेश्चन कुछ ऐसा है एट टेंपरेचर टेम्परेचर फारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल को इन यहां पर चार ऑप्शन दिए हैं आपको सही ऑप्शन चूज करना है तो चलिए इसका सल्यूशन देखते हैं हमें टीएफ और टी सी के बीच में रिलेशनशिप पता है टी एफ माइनस थर्टी टू बाई वन एटी इज इक्वल टू टी सी बाई हंड्रेड हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पे टी एफ एंड टी सी इक्वल हो तो उसको हम कहते हैं टेम्परेचर टी टी सब्स्टिट्यूट करेंगे गिवन इक्वेशन में तो हमारे पास आएगा टी इज इक्वल टू माइनस फोर्टी डिग्री फेरेनाइट दैट मीन्स माइनस फोर्टी डिग्री फेरेनाइट पे सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर देखेगा माइनस फोर्टी डिग्री सेल्सियस सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन तो चलिए बच्चों हमारा नेक्स्ट सीवी पढ़ते हैं विच इज आइडियल गैस इक्वेशन इसमें हम पढ़ेंगे कि आइडियल गैस इक्वेशन कैसे डेवलप हुई साइंटिस्ट ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए जिसके कारण हमें आइडियल गैस इक्वेशन मिल पाई तो सबसे पहले हम बॉयल्स नामक साइंटिस्ट का एक लॉ पढ़ेंगे बॉयल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट का सेटअप यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इस सेटअप में एक कंटेनर है दिस कंटेनर इज कनेक्टेड टू अ थर्मोमीटर थर्मोमीटर में जो माप आएगा उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं सिमिलरली ये कंटेनर एक प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से भी कनेक्टेड है जिसमें यहाँ पे उसका मेजरमेंट आएगा दिस इज अ गैस पंप दिस गैप्स पंप इज यूज टू इंट्रोड्यूस गैस इनसाइड दिस कंटेनर तो हम देखेंगे कि इस कंटेनर के अंदर जब गैस इंट्रोड्यूस करते हैं टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखते हैं तो क्या होगा तो यहाँ पर कंटेनर के अंदर कुछ गैस के पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं अब जैसे ही ये गैस के पार्टिकल्स इस कंटेनर के वॉल से टकराएंगे तो वॉल के ऊपर कुछ प्रेशर एग्जर्ट करेंगे जिसके कारण प्रेशर चेंज होगा अब जैसे ही कंटेनर का वॉल्यूम हमने थोड़ा सा कम किया आप देख सकते हैं प्रेशर इंक्रीज हो गया है और कम किया वॉल्यूम तो प्रेशर और इंक्रीज हो गया थोड़ा सा और कम किया तो देखिए प्रेशर और इंक्रीज हो गया तो बॉयल्स ने इस वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ चेंज ऑफ वॉल्यूम का एक ग्राफ ड्रॉ किया तो उसमें देखा जैसे जैसे वॉल्यूम डिक्रीज होता है प्रेशर इंक्रीज होता है अब हम देखेंगे कि जैसे ऐसे इस कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर कैसे वेरी होता है तो आप देख सकते हैं जैसे हम वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं प्रेशर इज डिक्रीजिंग ये चीज आपको राइट right साइड में स्क्रीन पे ग्राफ में भी देखने को मिल सकता है तो अब हम लिख सकते हैं पी इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय वी प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाएं तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यहां पर पी गैस का प्रेशर है एंड वी इज वॉल्यूम ऑफ दी कंटेनर इन विच द गैस इज प्रेजेंट अब यदि हम प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखते हैं एंड कंटेनर को हीट देकर इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है एंड वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का कर्व बनाने पर वह एक स्ट्रेट लाइन मिलता है यदि हम कंटेनर का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होता है यानी कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने पर हम लिख सकते हैं वी बाय टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यहां पर टी इज टेम्परेचर ऑफ द गैस तो अभी हमें दो इक्वेश मिली है फ्रॉम बॉयल्स लॉ एंड चार्ज लॉ दैट इज पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड वी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दोनों इक्वेश को कंबाइन करें तो हम लिख सकते हैं पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट साइंटिस्ट लोगों ने खूब सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद पाया कि जो ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन टू आर विच इज अवर्सल गैस कॉन्स्टेंट तो जो आइडियल गैस इक्वेशन बनी वो बन गई पी इक्वल टू म्यू आर टी यहां पर म्यू इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आर इज यूनिवर्सल गैस कॉन्सटेंट विच इज एट पॉइंट थ्री वन जूल पर मोल पर कैलवेन कभी कभी कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम आर की वैल्यू 25 फाइव बाई जूल पर मोल पर केल्विन भी ले लेते हैं अब हम गैस थर्मोमीटर से किसी गैस के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व प्लॉट करेंगे गैस थर्मोमीटर में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज कैरीड आउट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम यहां पर हमने एक ट्यूब के अंदर एक गैस ली है इस गैस को हम हीट करते हैं जब हीट करेंगे तो ये गैस एक्सपैंड होगी एक्सपैंड होने के कारण जो इस ट्यूब में मर्क्यूरी फील्ड है उसका लेवल गिरेगा यहाँ पे राइट साइड में जो ट्यूब है इसके अंदर हमने ऑलरेडी खूब सारा मर्क्यूरी डाल रखा है एंड बाय चेंजिंग दिस हाइट ऑफ दिस ट्यूब हम मर्क्यूरी का लेवल चेंज कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं अब जब इस गैस को हीट करते हैं तो हीट के कारण यह एक्सपैंड करेगी एक्सपैंड करेगी तो इट विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन दिस मर्क्यूरी कॉलम एज अ रिजल्ट ऑफ विच मर्क्यूरी का जो लेवल है वो कम होगा बट क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं तो वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए अगर हम इस मर्क कॉलम की हाइट कम करेंगे तो यहां पर एक्सपेंशन हो नहीं पाएगा तो प्रेशर विल इंक्रीज बट वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व एक स्ट्रेट लाइन मिलता है यदि हम गैस के प्रेशर को कम करते हुए जीरो कर दें तो हमें टेम्परेचर की वैल्यू माइनस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव डिग्री सेंटीग्रेड मिलती है इस टेम्परेचर को हम जीरो कहते हैं भी कहते हैं। सभी लो डेंसिटी गैसेस के लिए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर सेम होता है तो चलिए बच्चों अब एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है यहाँ पर हमें मोल ऑफ अ गैस दी है उसको एक इंसुलेटेड इंसुलेटेडर के अंदर रखा गया है एंड इस का वॉल्यूम है चेंटर क्यूब एंड द टेम्परेचर सेवन डिग्री सेंटीग्रेड तो आपको फाइंड आउट करना है कि वॉट इज द प्रेशर ऑफ द गैस इन साइड दिस बॉक्स एंड सेकेंड पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है कि अगर हम प्रेशर सेम रखें एंड वॉल्यूम को हाफ कर दें तो न्यू टेम्परेचर क्या होगा और ये टेम्परेचर आपको डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फारेनहाइट दोनों में फाइंड आउट करना है आई होप आप सभी ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा तो इसका सोल्यूशन देखते हैं अभी अभी हमने पढ़ा था पी वी इक्वल टू म्यू आर टी तो हमें क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू पता है आर की वैल्यू पता है टी की वैल्यू पता है एंड वी की वैल्यू भी पता है तो सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके हम पी निकाल सकते हैं 250 पास्कल्स अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब क्योंकि यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है तो चार्ल्स लॉ से हम लिख सकते हैं V1 वन अपॉन टी वन इज टू वी टू अपॉन टी टू वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे V2 टू इज वी वन बाई टू टी टू हमारे पास 150 फिफ्टी कैल्विन आ जाएगा इस कैल्विन के टेम्परेचर को हम सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस वन ट्वेंटी थ्री डिग्री सेंटीग्रेड और इसे हम डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो टी एफ आ जाएगा इन फ़ारेनहाइट माइनस वन एटी नाइन पॉइंट फोर डिग्री फ़ारेनहाइट्स। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा